नमस्कार मु अनिता स्वागत करुच समस्त आम चैनल बीन रोसई को। आज आम चाउल चूना बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी पापुड़ी प्रस्तुत करवा जहाँ को आपड़ चा सहित खाईपर। आज रेसीपी भल लगे वीडियो को लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूल सब्सक्राइब बटन पाखे बेल आइकन क्लिक कर ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करने जहाँफल आगक मुझ अपलोड करने को जाऊँगा मोर सब नुआ भिडर नोटिफिकेशन पापारे। आउ डेरी नक आरंभ करवा आज चाउल चूनार पापुड़ी रेसीपी से मुझे जाइए गोटे बड़ मिक्सिंग बाउल से देदे मुझे कप चाउल चूना यही चाउल चूना को मो घरे प्रस्तुत करी आपड़ चाहिए मार्केट में मिलूबा चाउल चूना मध्य यूज करें। दुई चामच मुग डाली को मुझ दुई घंटा हम बतुरी रखी ताकू भल से धोई छाणी नहीं से मुग डाली को देदे अधा चामच गोटा जीरा देदे गोटे चामच देदे अदा और कंचा लंकार पेस्ट बा छेचिकी नहीं जीवा किसी धनिया पत्र किसी भूसंग पत्र को एकदम फाइनली चॉप करके नहींदेबा ये आम देदे स्वाद अनुसार लुण ता सहित मुझे गोटे बड़ चामच बटर बटर जगह आप रिफाइंड ऑयल कि घीपारे सब जिनस को भल भाव मिसई ना तापर हल्का उषुम पा दे कि आम चकटी नवा पानी आमको एकाथरक दबार ना बहुत ही अल्प अल्प क्वांटिटी पा पकईकी गोटे गोटे चमच पा पकईकी आम डो टी रेडी करवा आपड़ ये देखिपार डोटी आम रेडी सारी से लगे मुझे अधा कप उषुम पा नहीं तादर दुई चमच पा बड़ी पड़ी बर्तमान यकड़ा टी पांच मिनिट रेस्ट करने छाड़ीद ये पांच मिनिट हो सारी डोटी आम भल भाव से बर्तमान गोटे प्लेट नहीं एमतीका लेउटे आपड़ चाहिए चॉपिंग बोर्ड मध्य यूज करें। ये गोटे प्लास्टिक सीट नहीं एमें कि तेल लगे ना आप प्रोसेस को बेलना पेड़ी में भल भाव मुझे तेल लगे नी आम जो डो को प्रस्तुत करके रखी से डोरु आम कि हाथ में नहीं जावा भल भाव हाथ में सैज करदे गोल करदे एकदम एवं प्लास्टिक सीट मझीरे रखिकी या टे स्प्रेड करनाबापर आउ गोटे देखु यहपरिका को प्लास्टिक सीट मझीरे रखिदे डोटी को बेलना काठी साइज़रे आम बेली नवा यह बेस पतला कि बेस मोटा करवानी देखु यहपर भाव यह बेली नहीं गोटे ग्लास देखु मु गोटे पट जरी हटे नेली ये गोटे छोट ग्लास नहीं कुकीज कटर हो कि जेकोसी गिना हो जो परी साइज़ रो आपड़ बनवाक चाहते पापुड़ी से परी साइज़ रो एमती गोल बुले नेबे एवं साइड गुड़ाक यार बाहर करदे तो आराम से ये गोल आमर बाहरी देखु यहीटा बेसी पतला है कि बेसी मोटा मध्य यहपरिका थिकनेस रुक सब कुछ गोटे मुझे प्लेट को बाहर कर आपड़ चाहिए एमती डायरेक्ट बाहर करके तेल पकई पारे मुझे ये बेलिकी रेडी करापर यह तेल पकई ना ये पुणी थे मुझे सीट्रे तेल लगे नौकूमती लेउटे कि देखते यहाँ भल भाव दुईपट साड़ी आम तेल लगला बर्तमान किसी डो को आम मझे रखी ना एवं यह बेली ना देखु बहुत ही आराम से हो किसी भी असुविधा हेनी एमती गोटे प्लास्टिक सीट नहीं ने कि तेल जरी कि क्षीर जरी एमती अटा डाली चाउल किसी जो एमतीका सीट आसे से प्रकार सीट्रे आप यूज करें। देखु मुझे किटा बेलिकी रखी ने बर्तमान आम यह सब कु तेल फ्राई करवा एवं बाकी तक यहपर भाव सब आम बेलिकी रेडी करवा गैस अन कर कढ़ाई तेल गरम हाँपी बस तेल आमर मीडियम फ्लेम रे गरम अच्छी सबूतक पापुड़ी को आम मीडियम फ्लेम रे फ्राई करवा कि एका बेले पकेबानी गोटी गोटी करके पकेबा ना परस्पर सहित लग देखु मु गोटी गोटी कर पापुड़ी को तेल पकई नौ एवं सबुतक पापुड़ को आम एपट सेपट लेउटे कि भल भाव क्रिस्पी होला पर्यंत फ्राई करवा यार कलर आम बेसी चेंज करवानी नॉर्मल
टिके भल से कुक हो हल्का रंग चेंज होमतीगला आम तेल रु बाहर करवा आपण देखिपे क्रिस्पी हो गला कलर मध्य चेंज हो आसला गोटे मिनिट या एपट सेपट लेटे आम फ्राए करवापर या तेल रु बाहर कर नवा देखिपड़ी तक आम रेडी सारी बर्तमान आम आपको तेल रु बाहर कर नवा और गोटे टीस्यू पेपर में रखि नवा एवं सेम प्रोसेस रे बाकी जी पापुड़ी आम बेलिक रखीचे एमती गोटी गोटी कर पकई नवा तेल एपट सेपट लेटेक कलर चेंज होगा पर्यंत और भल भाव क्रिस्पी होगा पर्यंत फ्राए करवापर या आम तेल रु बाहर कर टीस्यू पेपर में रखि नवा सबुतक पापुड़ी जितेबले आमर पूरा थंडा होपर गोटे एयरटाइट कंटेनर यह स्टोर करके रखिपारे और चा सहित यही पापुड़ी को एंजय करें तेज देखूँ पापुड़ी आम ये प्रस्तुत हो जाए गोटे भांगिकी देखा केते क्रिस्पी हो खाइबा बहुत ही टेस्टी थे बनैले ही जापर आशा करुच्ची आज रेसीपी आप समस्त निश्चित पसंद आसी पसंद आसते वीडियो को लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूलिबे सब्सक्राइब बटन पाखे बेल आइकन क्लिक कर ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करने जहाँ आगे मुझे अपलोड करने को जाऊँगा मोर सब नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पारे मुझे पुणी आसबि गोटे नुआ और इंटरेस्टिंग रेसीपी सहित से पर्यटन रोचे धन्यवाद।